गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। सज्जनों कल आपने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को ठाकुर जी का दक्षिण चरण कहा गया है, भगवान का दाहिना चरण है और ये भक्तों के अधिकार की लीला है। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद, कल मैंने आपको कथा में बताया था कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान के 12 अंग हैं, जिसमें प्रथम स्कंद भगवान का दक्षिण चरण है और इस प्रथम स्कंद में क्या क्या वर्णन है, क्या क्या आप सुनेंगे। तो तत्र तु प्रथमे स्कंधे सूतऋषीणां समागमः व्यासस्य चरितं पुण्यं पांडवानां तथैव च परीक्षित मुपाख्यानम इतियम समुदात्तम। सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज ने उनके पूछे जाने पर भगवान व्यास जी के पवित्र चरित्र, पांडवों का परम पावन आख्यान और परीक्षित जी का वृत्तांत इस स्कंद में बड़े ही सुंदर ढंग से व्यास जी के द्वारा वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, जन्मान्द्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रस्ति सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, भगवान ही सत्य हैं। और इसमें सबसे पहले व्यास जी महाराज ने भगवान का मंगलाचरण किया है, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, ये सब भगवान के हाथ में है। हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये जगत नहीं होगा तब भी भगवान है। भगवान के लिए जगत जरूरी नहीं है, जगत के लिए भगवान आवश्यक हैं, क्योंकि ये जो जगत है ये भगवान की करुणा का फल है। परवश जीव स्वबस भगवंता, ये जीव परवश है और भगवान स्वतंत्र हैं, इसलिए भगवान जब चाहते हैं तब आते हैं और जीव तब आता है जब भगवान चाहते। इसलिए सत्यम परम धीमहि से
भगवान का सबसे पहले श्लोक में व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है और इसके बाद बताया कि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, श्लोक का आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण, जिस प्रकार से गंगा जी मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का भी ये कथा गंगा भी वही काम करती है। स्नान पान और दान से, दर्शन से जैसे गंगा जी पवित्र करती हैं, उसी प्रकार से इसके पाठ श्रवण और पूजन करने से ये फल प्राप्त होता है। गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में है, भगवान विष्णु के चरण में है और भगवान शिव के शीश पर है। तीनों देवताओं का गंगा जी से संबंध है और बड़े सौभाग्य की बात है कि जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए जब हमारे पुण्यों की ढेरी लगना प्रारंभ हो जाती है तब हमको श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जन्मादिश्यतोन्यादितरतः, जिसके बिना जगत नहीं हो सकता लेकिन जगत के बिना वह हो सकते हैं, इसलिए उनके होने के लिए जगत का होना जरूरी नहीं है। जन्मादिश्यतः ये श्रुति वाक्य है। ब्रह्म सूत्र का ये द्वितीय सूत्र है। पहला सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। तो ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से श्रीमद् भागवत का आरंभ होता है। भागवत का पहला शब्द है जन्म और अंतिम भागवत का शब्द है परम। और अंतिम श्लोक में कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो अंतिम शब्द क्या है? परम। मतलब यह हुआ कि जन्म से शुरू हुई यह जीवन की यात्रा, और जीवन की यात्रा आरंभ होता है जन्म से, सफल कब होती है? जब परम की प्राप्ति हो जाए। रामचरितमानस में भी ये पायो परम विश्राम, अंत में पायो परम विश्राम से समाप्ति होती है। तो ये यात्रा सफल कब होती है? सफल तब होती है जब परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस परमात्मा उस परमेश्वर के चरणों तक पहुंचे, उसमें जीवन की यह यात्रा का साफल्य है और तब तक यात्रा सफल नहीं होती, शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमको भगवान के चरणों की शरण लेना चाहिए और उन्हीं की कृपा से ये कृपा हमको प्राप्त होती है। बाबा जी कह रहे हैं कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई जानत तुमहि तुमहि होइ जाई। सोई जानहि जेहि जनाई जानत तुमहि तुमहि होइ जाई। ही कृपा रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। तुमरहि कृपा तुमहि रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। इसलिए सत्यम एक वचन और भजने वाले अनेक हैं, इसलिए सत्यम परम धीमहि, धीमहि बहुवचन है। और इस प्रकार से
परम सत्य ही परमात्मा है। बाबा जी कह रहे हैं कि राम ब्रह्म है परमार्थ रूपा अविगत अनक अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गति भेदा कही नित नेति निरूप ही वेदा। सकल विकार रहित गति भेदा कही नित नेति निरूप ही वेदा। कही नित नेति निरूप ही वेदा। आरंभ में व्यास जी का मंगलाचरण है, उसमें भी सत्यम परम धीमहि लिखा है, और अंत में सूत जी का मंगलाचरण है, इसमें भी सत्यम परम धीमहि। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत फल भी है और श्रीमद् भागवत साधन भी है। भागवत हम सबको भागवत बना देता है, और श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, जो श्रद्धा पूर्वक गाता है, सा वैकुंठ प्रभुर भवेत, वो भगवान के वैकुंठ लोक में निवास करता है। सवै वैकुंठ सा वैकुंठम प्रभुर भवेत, वो भागवत रूप हो जाता है। भागवत ही साधन है और भागवत ही फल है, मतलब जो सिद्ध किया जाता है वह भी भागवत है, और जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है वो भी भागवत ही है। व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया तो उनको शांति प्राप्ति नहीं हुई। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी का मन अशांत था, सोचने लगे संतोष कब प्राप्त होगा। नारद जी की प्रेरणा से व्यास जी को श्रीमद् भागवत की रचना करने का अवसर प्राप्त हुआ, और श्रीमद् भागवत की रचना करके व्यास जी को परम संतोष प्राप्त हुआ। मनुष्य का जो परम धर्म है उसका निरूपण श्रीमद् भागवत में है, और जो शिवम कल्याण की वस्तु है, जो कल्याण की चीजें हैं, वो श्रीमद् भागवत में बताई गई है। श्रीमद् भागवत भगवान और भक्त दोनों की कथा है। श्रीमद् भागवत में भगवान की भी कथा है और श्रीमद् भागवत में भक्त की भी कथा है। कैसी है यह कथा? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमो कल्पतरु, वेद कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार वृक्ष का सार फल कहलाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत वेदों का सार है, और गलितम फलम परिपक्व है, पका हुआ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, विशेषता क्या है इसमें? विशेषता ये है कि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तोते की चोंच लगी हुई है।